नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल एंड मैकेनिकल सुमन। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे 20 KVA का डाटा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप पुराने और एनालॉग मीटर इस्तेमाल करते हैं और नए मीटर डिजिटल मीटर लगाने से कतराते हैं क्योंकि डिजिटल मीटर सक्सेस नहीं होते हैं, तो ये आपका भ्रम दूर करने के लिए ये वीडियो है। क्योंकि अब बहुत सारी कंपनियों की तरफ मार्केट में भी अच्छे अच्छे किट मिलने लगे हैं जिसमें डिजिटल मीटर इंक्लूड हो, और इसमें सबसे अच्छी फैसिलिटी है कि इसमें हाई, लो और टाइम डिले सब कुछ लिखते हैं, जिससे कंपनी की तरह लगने लगता है और पता नहीं चलता है कि ये कंपनी है या लोकल है, जैसे आप सामने देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसकी जो डाटा है वो बताने जा रहा हूँ। ये 90 से 300 440 तक का ये वर्क करेगा, और ये 20 KVA का डाटा है जो 8B 6 इंच में बनेगा, और जिसकी प्राइमरी वायर है वो 8 नंबर की वायर होगी और जो सेकेंडरी है वो 7 नंबर की। जबकि 440 के लिए आप 440 के लिए आप 10 नंबर का वायर यूज कीजिएगा, जबकि ट्रिगर के लिए आप 23, 24, 25, 23, 22 और 21, 20 किसी का भी यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं इसकी आगे जो डाटा है उसकी ओर हम चलते हैं। तो सबसे पहले आपको ट्रिगर यानी कि जो 24 वोल्ट की अगर आप रिले यूज करते हैं तो उसके लिए आपको मात्र 10 टन, सिर्फ 10 टन लगाने हैं, वो भी आप 21 नंबर से या 22 नंबर से किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद आप देख सकते हैं इस कंपनी ने अपने जो कटअप सेट किए हैं वो उनकी कटअप का वोल्टेज इस प्रकार है, 0 वोल्ट 92 वोल्ट 136 वोल्ट 166 वोल्ट 200 वोल्ट और 276 वोल्ट जो है ये 440 टेपिंग के लिए है। अब इसकी जो कटअप सेटिंग है ये इसकी कंपनी की है, और आपको ये 90 से 440 तक वर्क करेगा यानी कि 430 के बाद ये हाई कट हो जाएगा। और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, एक दो प्रीसेट हैं जो आगे आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे इसकी स्टेप बाय स्टेप सेटिंग करनी है और किस प्रीसेट से क्या होगा और किसकी किट की कनेक्शन कैसे होगी, रिले कनेक्शन कैसे होगी। चलिए हम अपने आप डाटा की ओर चलते हैं। मेन ट्रांसफार्मर के डाटा जो 0 से 50 टन है ये आपकी होगी प्राइमरी, ये आपको 8 नंबर वायर से यूज करनी है। उसके बाद 74 टन, उसके बाद 90 टन, उसके बाद 108 टन ये आपकी होगी सेकेंडरी, ये आपको 7 नंबर वायर की यूज करनी है, और 108 से लेकर 150 वोल्ट तक सॉरी टर्न तक ये 440 वोल्ट है ये आपको सिर्फ 10 नंबर वायर से यूज करनी है। और इसकी एक बार के बाद आपको 0 दोबारा नहीं करनी है, सिर्फ एक बार ही आपका ये 0 होगा, उसके बाद आपको सीरियल नंबर से ऐसे ही रिवाइंड करते चले जाना है, उसी तरह काउंटिंग सीधे आपकी होगी, फिर काउंटिंग मशीन को आपको 0 नहीं करने हैं। आगे आने वाले वीडियो में इसके कनेक्शन और रिले सेटिंग और ये के बारे में बताया जाएगा, साथ में आपको अन्य तरह के और भी डाटा दिए जाएंगे जिसमें आपको 440 का 140 से 440 और 440 वोल्ट के लिए आपको 200 से 500 और लो वोल्टेज के लिए 550 वोल्टेज से लेकर 300 वोल्टेज तक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।